चैनल मेडिकल नर्सेस सर, आज की क्लास है हमारी ईएसआईसी का, जिनका 7 जुलाई को पेपर है। अपकमिंग टाइम में बिहार में पेपर है आपका, ऑल ओवर जितने भी जगह नर्सिंग के पेपर हैं उसमें ओबीजी और सीएचएन आपको जरूर पूछा जाता है, तो उसी के रिगार्डिंग आज की क्लास होने वाली है। क्लास स्टार्ट होने के पहले मैं बता दूं कि हमारी जो ऑफिशियल मेडिकल नर्सेस आपकी बुक थी वो आपकी आ चुकी है। जो भी लोग बुक को ऑर्डर करना चाहते हैं अभी आपको इसी वीक में, मे बी इनिशियल वीक में आपको बुक है जो फ्लिपकार्ट पे भी अवेलेबल हो जाएगी, बट वहाँ पे कुछ जो प्रोसीजर वगैरह होते हैं उनमें टाइम लग रहा है, तो हो सकता है 4-5 दिन और एक्स्ट्रा लग जाए। तो यहाँ पे बुक आपको जो भी लोग ऑर्डर अभी करना चाहते हैं रिसेंट में, तो अभी आप व्हाट्सएप के थ्रू बुक को ऑर्डर कर सकते हैं हमारी, आपको इस तरीके से बुक है जो रहेगी। तो यहाँ पर बुक में आपको जो दिख रहा है, विजिबल हो रहा है कि बुक का नाम क्या है, कंप्लीट गाइड फॉर एनएचएम और सीएचओ। तो अब जो लोग अपकमिंग टाइम में त्रिपुरा, बिहार या फिर किसी अदर स्टेट के लिए सीएचओ या एनएचएम की तैयारी करते हैं, तो ये बुक उन लोगों के लिए एज अ रामबाण की तरह साबित होने वाली है, क्योंकि आपको एक ही बुक में इतने सारे सीएचओ के पेपर्स, मॉडल पेपर, सभी चीज़ें अवेलेबल नहीं हो पाएंगी। जो यहाँ पर पेपर और जो सीरीज अवेलेबल करवाई गई है वो सभी आपके पेपर तो सभी ऑफिशियल हैं, 55 से ज़्यादा पेपर हैं। यहाँ पे 50 बस आपको इसलिए दिख रहे हैं कि जब हमने गवर्नमेंट के लिए अप्लाई किया था, क्योंकि पूरा एक प्रोसीजर होता है बुक को लाने में, तो उस टाइम 50 पेपर्स बस थे, बट लेकिन जब प्रिंटिंग पे दिया तो 5-6 पेपर और ऐड हो गए थे। उस टाइम तक एमपी में भी पेपर हो गया था, तो 4 पेपर फिर अलग से एमपी के हो गए थे, उत्तराखंड में हो गया था तो वो भी ऐड कर दिए थे। तो यहाँ पर टोटल मिला के आपको 55 से ज़्यादा पेपर हैं सीएचओ के, एनएचएम के, साथ में आपको प्रोग्राम्स हैं जो भी हुए हैं, मॉडल पेपर्स हैं, वो सब कुछ आपको एक ही बुक में मिल जाएगा। तो जो भी लोग बुक यदि ऑर्डर करते हैं, मैं बता दूं कि अभी आपको फ्री डिलीवरी रहेगी। फ्री डिलीवरी का मतलब कि जो बुक की एमआरपी है आपको अभी बोगस पे करना पड़ेगा। बुक आपको मैं खुद कोरियर के थ्रू पोस्ट करूंगी, जो कि आपके जो भी होम एड्रेस आप अपना देंगे, 5 से 6 दिन के अंदर आपके पास बुक है जो पहुँच जाएगी। एक ट्रैकिंग आईडी भी आपको दी जाएगी, जैसे ही मैं बुक यहाँ से आपकी कोरियर करती हूँ, आफ्टर दैट आपको तुरंत एक ट्रैकिंग आईडी दी जाएगी, आप ट्रैक कर सकते हैं कि आपकी बुक कहाँ पहुँची। और ये बुक जितनी भी मेरे यहाँ से कोरियर होंगी वो सभी बुक बेंगलोर से कोरियर होंगी। तो कंपेयर टू अदर, यदि आप यहाँ से त्रिपुरा के लिए, जैसे मैंने अभी बहुत सारी बुक्स कोरियर की हैं, तो 5 से 6 दिन का समय कहा गया है, लेट्स सी कि 5 से 6 दिन में आपकी बुक पहुँच जाएगी। जिन भी लोगों ने अभी बुक ऑर्डर की है, जैसे आपने आज बुक ऑर्डर की तो आपकी कल ही बुक डिस्पैच होकर सेंड कर दी जाएगी। जो भी लोग बुक ऑर्डर करना चाहते हैं प्लीज़ ऑर्डर कीजिए। आपका यदि अभी एग्जाम डेट नहीं भी आई है तब भी आप पेपर सेट लगा के देखिए तो कि आपको कितनी हेल्प होती है। और नियर अपकमिंग टाइम में और भी बुक्स आ सकती हैं, उन पर भी काम चल रहा है, तो रेडी रहिए। अभी तक PDF और जो लोग ESIC का एग्ज़ाम दे रहे हैं उनके लिए अभी PDF मटेरियल अवेलेबल है। आपको PDF में, जो ESIC वाले हैं उनको PDF में 12 सीरीज़ हैं, 2 साथ में ESIC के ऑफिशियल पेपर हैं। ओनली चार्जेस 50 रुपीज़ है, अनबिलीवेबल चार्ज है आपको, लेकिन आपको इतने कम में ही पूरी जो ESIC के पेपर प्लस सीरीज दोनों अवेलेबल हो जाएंगी, जिसमें आपके 1400 से ज़्यादा क्वेश्चन है जो इंक्लूडेड हो जाएंगे। आज की क्लास का पहला क्वेश्चन है यहाँ पे आपको ये रहा, प्लॉटिंग ऑफ पार्टोग्राफ शुड स्टार्ट एट। तो जो पार्टोग्राफ यहाँ पे यूज, जो पार्टोग्राफ है कब स्टार्ट किया जाएगा, एक्टिव फेज ऑफ फर्स्ट स्टेज ऑफ लेबर, लेटेंट फेज ऑफ फर्स्ट स्टेज ऑफ लेबर, या फिर सेकंड स्टेज ऑफ लेबर और थर्ड स्टेज ऑफ लेबर। तो पार्टोग्राफ की प्लॉटिंग है जो कौन सी स्टेज में की जाती है, पार्टोग्राफ की प्लॉटिंग कौन सी स्टेज में की जाएगी, तो ये होती है फर्स्ट स्टेज में। किसमें, फर्स्ट स्टेज में। फर्स्ट थिंग माइंड में रखना है क्या, फर्स्ट स्टेज ऑफ लेबर। अब फर्स्ट स्टेज की एक्टिव में होगा कि लेटेंट में होगा, अब 2 ऑप्शन और हैं आपके पास की, पता तो चल गया कि फर्स्ट स्टेज में है, लेकिन फर्स्ट स्टेज की कौन सी फेज में, एक्टिव फेज में। एक्टिव फेज में क्या होगा, यहाँ पे पार्टोग्राफ है जो प्लॉट किया जाएगा। अब देखिए जो फेज होती है फर्स्ट स्टेज की वो कितनी होती हैं, लेटेंट, एक्टिव और ट्रांजिशनल फेज। लेटेंट फेज में होता क्या है कि पहले माइल्ड कॉन्ट्रैक्शन, शॉर्ट कॉन्ट्रैक्शन आना स्टार्ट होंगे, सर्विक्स इसमें 0 से 3 सेंटीमीटर तक डायलेट होगी, सर्विक्स का डायलेटेशन लेटेंट फेज में 0 to 3 सेंटीमीटर होगा, और ड्यूरेशन की बात करें तो 6 to 8 आवर। प्रीमी
यदि प्रीमी पैरा मदर है तो यहाँ पर जो लेबर पेन होते हैं 14-14 घंटे तक रहेंगे, तो यहाँ पर जो लेटेंट फेज है कितनी होगी, 6 से 8 घंटे की। सर्विक्स 0 to 3 सेंटीमीटर डायलेट होगी। अब बात करें एक्टिव फेज की, तो इसमें कॉन्ट्रैक्शन बढ़ते जाएंगे, 4 से 7 सेंटीमीटर तक सर्वाइकल डायलेटेशन होगा, और जो प्रीमी पैरा मदर है, फर्स्ट टाइम वाली मदर है, तो 4.5 घंटे तक रहेगा, मल्टी में 2.5 घंटे तक का होगा, मतलब जिसके 2 या 2 से ज़्यादा बार डिलीवरी हो चुकी है उनमें। ट्रांजिशनल जो कि लास्ट फेज होती है फर्स्ट स्टेज की, जिसमें स्ट्रॉन्ग कॉन्ट्रैक्शन आएंगे, सर्विक्स पूरी डायलेट होगी, मतलब जो सर्विक्स का 10 सेंटीमीटर तक का डायलेटेशन है वो सर्विक्स कंप्लीट डायलेटेशन होगा। अब यहाँ पर सेकंड स्टेज होती है बेबी के एक्सपल्सन की, 3rd प्लेसेंटल एक्सपल्सन और 4th ऑब्जर्वेशनरी। तो अब यहाँ पर पार्टोग्राफ स्टार्ट कब किया जाता है, जब सर्विक्स 4 सेंटीमीटर या फिर इससे ज़्यादा डायलेट हो चुकी हो, तब पार्टोग्राफ स्टार्ट किया जाता है। 4 सेंटीमीटर सर्विक्स डायलेट होती है एक्टिव फेज में, फर्स्ट स्टेज की एक्टिव फेज में, तो इसी दौरान पार्टोग्राफ है जो रिकॉर्डिंग स्टार्ट की जाएगी, जिसमें सर्वाइकल डायलेटेशन, डिसेंडिंग ऑफ द फीटल हेड, यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन और जो लेवर की प्रोग्रेस है वो चीज़ें यहाँ पे चेक की जाएंगी। क्लियर। नेक्स्ट वन इज परपीरियम स्टार्ट विद। तो ये क्वेश्चन तो हमारी नर्सिंग का सबसे फेमस क्वेश्चन है कि परपीरियम कब से स्टार्ट होता है, एक्सपल्सन ऑफ फीटस, एक्सपल्सन ऑफ प्लेसेंटा, इनिशिएशन ऑफ ब्रेस्ट फीडिंग या फिर ऑनसेट ऑफ लेबर। तो परपीरियम कब से स्टार्ट होता है, परपीरियम स्टार्ट होता है एक्सपल्सन ऑफ द प्लेसेंटा से। कब से, एक्सपल्सन ऑफ द प्लेसेंटा, प्लेसेंटा के बाहर आने से लेके परपीरियम पीरियड, परपीरियम पीरियड का ड्यूरेशन होता है 6 वीक तक का, आफ्टर चाइल्ड बर्थ, किसके आफ्टर चाइल्ड बर्थ ड्यूरिंग इज द मदर्स रिप्रोडक्टिव ऑर्गन रिटर्न्स टू देयर ओरिजिनल नॉन प्रेग्नेंट कंडीशन, मतलब यूट्रस वापस से 60 ग्राम में कन्वर्ट होगी। तो यहाँ पर प्लेसेंटा के बाहर आने के बाद से जो पीरियड स्टार्ट होगा वो कहलाता है परपीरियम पीरियड, क्योंकि 6 हफ्तों का होगा या फिर 42 दिनों का होगा, इसमें जो एक वुमेन की बॉडी है नॉन प्रेग्नेंट स्टेज में रिवर्ट बैक होगी। नेक्स्ट है यहाँ पर विच स्टेज ऑफ परपीरियम पीरियड इज कॉल्ड रिमोट स्टेज। परपीरियम पीरियड की कौन सी स्टेज है जिसको रिमोट स्टेज के नाम से जाना जाता है, विद इन ट्वेंटी फोर आवर आफ्टर चाइल्ड बर्थ, अर्ली अप टू 7 डेज, अप टू 6 वीक या फिर अनब दिया। एक दिन और मैंने आपको परपीरियम की स्टेज पढ़ाई थी, 3 स्टेज होती हैं जनरली, तीनों स्टेज पढ़ाई थी परपीरियम की। तो यहाँ पे कहा है रिमोट स्टेज कौन सी है, तो एक होती है यहाँ पर इमीडिएट परपीरियम, ये यहाँ पर है, क्या है इमीडिएट परपीरियम, क्या है इमीडिएट परपीरियम, मतलब 24 घंटे के अंदर। फिर है अर्ली अप टू द वीक, इसको कहा जाता है अर्ली परपीरियम, अर्ली अप टू 7 डेज और या फिर फर्स्ट वीक, तो ये क्या कहलाता है आपका अर्ली परपीरियम। अप टू 6 वीक, अप टू 6 वीक कहलाता है आपका रिमोट परपीरियम। मैंने तीनों लिख दिए, एग्जाम में पूछ सकते हैं। परपीरियम पीरियड की 3 स्टेज होती हैं, इमीडिएट, अर्ली और रिमोट। तो इमीडिएट का मतलब होगा कि विद इन 24 घंटों के अंदर बच्चे के डिलीवर होने के बाद, 7 दिनों वाला पीरियड है जो अर्ली परपीरियम, मतलब विद इन 7 दिन में ही पूरी बॉडी नॉन प्रेग्नेंट स्टेट में रिवर्ट बैक हो जाती है, जो चाइल्ड बियरिंग ऑर्गन है, यूट्रस है। और अप टू 6 वीक मतलब रिमोट परपीरियम, ये स्टेज होती है परपीरियम की। नेक्स्ट है यहाँ पर फेलियर ऑफ यूट्रस टू इट्स नॉर्मल साइजेस। यदि यूट्रस अपने नॉर्मल साइज में रिवर्ट बैक ना हो पाए तो क्या कहलाएगा, इन्वोल्यूशन, सब इन्वोल्यूशन, रिट्रैक्शन या फिर ऑल ऑफ द अबव। तो यहाँ पर जो टर्म यूज किया जाएगा वो होगा सब इन्वोल्यूशन। यदि यूट्रस वापस से ना जा पाए, वापस से रिवर्ट बैक ना हो पाए, तो फेलियर कहलाएगा क्या, सब इन्वोल्यूशन। और इन्वोल्यूशन का मतलब होता है कि रिवर्ट बैक हो जाए, रिवर्ट बैक होना नॉन प्रेग्नेंट स्टेट में, इसमें नॉन प्रेग्नेंट स्टेट में रिवर्ट बैक होना क्या कहलाएगा, इन्वोल्यूशन। और नहीं हो पाती है तो वो है क्या, सब इन्वोल्यूशन। आंसर आपका क्या होगा, सब इन्वोल्यूशन।
अब सम इन्वोल्यूशन के बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं, जैसे पहला हो सकता है ग्रैंड मल्टी पैरायटी, बहुत बार डिलीवरी वगैरह हुई हो, ओवर डिस्टेंशन रही हो यूट्रस, या तो ट्विन रहा हो या बहुत ज़्यादा हाइड्रोमनियोस का केस रहा हो, मतलब एमनियोटिक फ्लूड बहुत कम रहा हो, इल मैटरनल हेल्थ हो, मतलब माँ बीमार हो, सर्जेरियन सेक्शन हुआ हो, यूट्राइन प्रोलैप्स हुआ हो, या फिर फाइब्रॉइड हुआ हो, या फिर कुछ और अदर ऐसे फैक्टर जो बढ़ावा दे सकते हैं सब इन्वोल्यूशन को, या फिर रिटेंड प्रोडक्ट रहे हो कंसेप्शन के, तो ये सभी क्या कर सकते हैं, सब इन्वोल्यूशन का रीजन बन सकते हैं, मतलब यूट्रस पुराने शेप में अपने रिवर्ट बैक है जो नहीं हो पाएगी। नेक्स्ट वन, अ केस ऑफ 28 वीक्स ऑफ प्रेगनेंसी विथ पेन एंड ब्लीडिंग डायग्नोसिस। तो यहाँ पे देखिए 28 हफ्ते की प्रेगनेंसी है जिसमें दर्द हो रहा है, दर्द के साथ ब्लीडिंग हो रही है, तो ये क्या है, प्रीमेच्योर लेबर, थ्रेटेंड अबॉर्शन, प्लेसेंटा प्रीविया, या फिर एक्सीडेंटल हेमरेज, क्या कहलाएगा। 28 हफ्ते की प्रेगनेंसी है तो यहाँ पर पेन भी हो रहा है, ब्लीडिंग भी हो रही है, प्रीमेच्योर लेबर कहलाता, लेकिन यहाँ पर और भी क्या है ऑप्शन है, प्रीमेच्योर लेबर में तो सर्विक्स का कॉन्ट्रैक्शन भी आपको, सॉरी यूट्रस का कॉन्ट्रैक्शन भी देखने को मिलेगा दर्द और ब्लीडिंग के साथ में, ये कहलाएगा आपका एक्सीडेंटल हेमरेज। क्या होगा, एक्सीडेंटल हेमरेज। प्लेसेंटा प्रीविया में पेनलेस ब्लीडिंग होगी, कैसी ब्लीडिंग होगी, पेनलेस, मतलब दर्द ही फील नहीं होगा, जो प्लेसेंटा प्रीविया है पेनलेस ब्लीडिंग होगी। थ्रेटेंड अबॉर्शन 28 वीक नहीं होगा, 20 वीक तक हो सकता है रेयरली, तो यहाँ पर ना तो ये प्रीमेच्योर लेबर है ना ये थ्रेटेंड अबॉर्शन है, ये है एक्सीडेंटल हेमरेज। प्लेसेंटा प्रीविया में जो ब्लीडिंग होती है ब्राइट रेड कलर का ब्लड आता है लेकिन बिना पेन के, सेकेंड हाफ ऑफ प्रेगनेंसी में आने के होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, डेवलपमेंट ऑफ क्लॉट्स इन द वेन इज कॉल्ड, यदि वेन है हमारी जो जिसमें आपका नॉन ऑक्सीजनेटेड ब्लड है जो फ्लो होता है, वहाँ पर कुछ क्लॉट जम जाए तो वो क्या कहलाएगा, थ्रोम्बोसिस, एन्योरिज्म, एथरोस्क्लेरोसिस, या फिर इस्चीमिया। इस्चीमिया में तो टिश्यूज डेथ होगी, एथरोस्क्लेरोसिस में क्या होगा कि एक हार्ट डिपोजिशन होगा, एन्योरिज्म में आर्टरीज बल्ज होंगी वीकनेस के कारण, ये कहलाएगा थ्रोम्बोसिस, थ्रोम्बस जो क्लॉट बना है पूरा जो कवर कर गया वो एरिया, वो क्या है यहाँ पर थ्रोम्बोसिस और थ्रोम्बस, आप इसको नाम दे सकते हैं। यहाँ पर ये ट्यूब दी हुई है, कौन सी ट्यूब है, लिंटन ब्लैकमोर ट्यूब, सैंगस्टन ब्लैकमोर ट्यूब, एनजी ट्यूब, या फिर नन ऑफ दी अबव। इमेज बेस्ड क्वेश्चन आपको मे बी एस जी पी जी आई में आ सकते हैं, यदि इनके साथ हैं तो आप रेडी रहिए। तो यहाँ पर ये जो ट्यूब दी हुई है कौन सी ट्यूब है, ये ट्यूब है सैंगस्टन ब्लैकमोर ट्यूब, कौन सी, सैंगस्टन ब्लैक मोर ट्यूब। यहाँ पे आपको दिख रहा है कि इसमें तीन इन्फ्लेशन है, सॉरी दो इन्फ्लेशन है, गैस्ट्रिक एस्पिरेशन है। यहाँ पर इस ट्यूब को इस तरीके से यूज किया जाता है, एक है ईसोफेगल बलून, दूसरा है गैस्ट्रिक एस्पिरेशन और तीसरा है गैस्ट्रिक बलून। तो यहाँ पर ये यूज कब किया जाएगा, जब यहाँ पर आपको या तो ईसोफेगस में या फिर स्टमक में बहुत ही स्लो ब्लीडिंग हो रही है, उसको रोकने के लिए या फिर उसको स्टॉप करने के लिए सैंगस्टन ब्लैकमोर ट्यूब है जो यूज किया जाएगा। और यहाँ पर द ब्लीडिंग इज टिपिकली कॉज्ड बाय गैस्ट्रिक और ईसोफेगल वायरसेस, जनरली जब कुछ ऑब्स्ट्रक्शन हो रहा हो तब ये ब्लीडिंग या तो होगी, तो यहाँ पर इसी ब्लीडिंग को रोकने के लिए सैंगस्टन ब्लैकमोर ट्यूब है जो यूज की जाती है। नेक्स्ट है यहाँ पर आपका क्वेश्चन, MR वैक्सीनेशन कैंपेन इज फॉर विच एज ग्रुप, जो MR वैक्सीनेशन कैंपेन होता है किस एज ग्रुप के लिए जो मीजल्स और रूबेला वैक्सीन दी जाएगी। ऑप्शन में है यहाँ पर आपको 9 मंथ, बिटवीन 16 to 18 मंथ, बिटवीन 9 मंथ एंड लेस देन 15 ईयर, या फिर बिटवीन 6 मंथ to 18 मंथ। तो जो MR वैक्सीन का कैंपेन है, क्या है MR वैक्सीन का जो कैंपेन है, ये किस एज ग्रुप के लिए है, बिटवीन 9 मंथ एंड लेस देन 15 ईयर के लिए, इसके लिए 9 महीने से लेके 15 साल तक की एज ग्रुप के लिए। तो यहाँ पर आपका आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी। तो जो यहाँ पर MR वैक्सीन कैंपेन की एज ग्रुप आपको कभी भी एग्जाम में आती है
9 month टू लेस देन 15 ईयर ऑफ एज ग्रुप जिसको एमआर वैक्सीन का एक ही डोज है जो दिया जाता है। स्पेशल कैंपेन है उन लोगों के लिए है जो इम्यूनाइज्ड है या फिर अनइम्यूनाइज्ड मीजल्स रूबेला वैक्सीन को लेके, उनके लिए एक ही वैक्सीन दी जाएगी जिसमें जो एज ग्रुप रखी गई है कितनी है, 9 महीने से लेके 15 महीने से कम एज ग्रुप के। यहाँ पर आपको मेनली याद रखना है 9 month एंड लेस देन 15 ईयर। नेक्स्ट वन, सबमर्ज्ड पोर्शन ऑफ द आइसबर्ग रिप्रेजेंट, सबमर्ज्ड पोर्शन है जो आइसबर्ग का क्या रिप्रेजेंट करेगा, अनडायग्नोस्ड केस, क्लिनिकल केसेस, डेड केसेस या फिर ट्रीटेड केसेस। तो आपने जो आइसबर्ग फिनोमिना पढ़ा हुआ है उसमें कुछ आइस नीचे डूबी हुई होगी, कुछ ऊपर की तरफ दिखेगी, तो सबमर्ज्ड पोर्शन होता है आइसबर्ग का ऐसे केस को बताएगा जो अनडायग्नोस्ड केस हैं। कैसे, अनडायग्नोस्ड केस के लिए बताएगा क्या, सबमर्ज्ड पोर्शन। और जो फ्लोटिंग टिप्स है, क्या है, फ्लोटिंग टिप्स है, ऐसे केस बताएगा जो फिजिशियन ने देखे हुए हैं, चेक किए हुए हैं, वो केस बताएगा कौन, फ्लोटिंग टिप। लेकिन सबमर्ज्ड पोर्शन ऐसे केस बताएगा जो अनडायग्नोस्ड केस है या फिर करियर से या फिर सब क्लिनिकल केसेस, मतलब इसमें सिम्टम ही पता नहीं चल रहे हैं, तो कैसे है, अनडायग्नोस्ड केस। नेक्स्ट है यहाँ पर आपको, द क्वांटिटी ऑफ हार्मोन रिलीज्ड बाय प्रोजेस्टेरोन पर डे इज, प्रोजेस्टेरोन हार्मोनल थर्ड जनरेशन की हार्मोनल कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस है। अब इससे पर डे कितना हार्मोन रिलीज होगा, 25 μg, 45 μg, 65 μg या फिर 85 μg। ये क्वेश्चन आपको कई बार पढ़ाया गया है, कई बार आपको ये क्वेश्चन पढ़ाया गया है कि प्रोजेस्टेरोन पर डे कितना हार्मोन रिलीज करेगी, प्रोजेस्टेरोन हार्मोन रिलीज करती है पर डे कितना, 65 μg, ऑप्शन नंबर सी, प्रोजेस्टेरोन पर डे 65 μg हार्मोन रिलीज करेगी, थर्ड जनरेशन IUCD है। यहाँ पर जो इसमें क्या होगा, 38 mg प्रोजेस्टेरोन होता है, टोटल प्रोजेस्टेरोन यदि पूछा जाता है प्रोजेस्टेरोन में तो इसमें 38 mg प्रोजेस्टेरोन हार्मोन रहेगा, कितना, 38 mg प्रोजेस्टेरोन रहेगा सिलिकॉन ऑयल रिजर्वर के साथ में। यहाँ पर इसमें 38 mg क्या रहेगा, 38 mg प्रोजेस्टेरोन, लेकिन एक दिन में 65 μg प्रोजेस्टेरोन रिलीज करेगी। इसका जो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है, मतलब किस तरीके से प्रेगनेंसी को रोकेगी, थिक प्लग ऑफ म्यूकस एट द सर्वाइकल लोस, सर्वाइकल लोस के यहाँ पर ये थिक म्यूकस प्लग को बनाएगी जिसके कारण स्पर्म पेनिट्रेट नहीं कर पाएगा। स्पर्म जब पेनिट्रेट नहीं करेगा तो फर्टिलाइजेशन भी नहीं होगा। इसका मेन मोड ऑफ एक्शन क्या होता है, थिक प्लग का फॉर्मेशन करना। नेक्स्ट वन है यहाँ पर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू रिगार्डिंग RU486, RU486 का क्या लेके सही पॉइंट क्या है, इट प्रिवेंट्स द फर्टिलाइजेशन, हैज एफिनिटी फॉर ऑस्ट्रोजन रिसेप्टर्स, सिंगल डोज ऑफ 10 mg प्रिवेंट्स प्रेगनेंसी 90% केसेस या फिर कॉज डिलेड मेंस्ट्रुएशन। तो जो RU486 है इसका मेन यहाँ पर सही पॉइंट क्या है, तो जो RU486 है इसका मेन यहाँ पर सही जो पॉइंट पूछा गया है वो क्या है, आप लोग भी आंसर मार्क कीजिए कि सही आंसर यहाँ पर आपका क्या होगा। तो जो RU486 है, क्या है, RU486 है, फर्स्ट स्टेरॉइडल एंटी प्रोजेस्टेरोन है, क्या है, फर्स्ट स्टेरॉइडल एंटी प्रोजेस्टेरोन है। इसका मेनली यूज ह्यूमन प्रेगनेंसी को इंटरप्ट करने के लिए या फिर अबॉर्शन के लिए यूज किया जाता है। तो यहाँ पर एज एन ऑप्शन के आप बात करते हैं तो आंसर आपका डी होगा, इट कैन कॉज डिलेड मेंस्ट्रुएशन। जो मिफेप्रोस्टोन है इसका दूसरा नाम क्या है, मिफेप्रोस्टोन, और R486 मेडिकेशन है, जनरली मिजोप्रोस्टोल के साथ मिक्स करके प्रेगनेंसी को अवॉइड करने में यूज़ की जाती है, अबॉर्शन के लिए ये यूज़ की जाती है, जो कि 97% तक इफेक्टिव है। अब यहाँ पर यदि प्रेगनेंसी इनिशियल टाइम की हो तभी आप इसको अवॉइड कर सकते हैं, कहा है कि 63 days ऑफ प्रेगनेंसी हुए हैं तभी आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पर अबॉर्शन कर सकते हैं। फिर यहाँ पर ये क्या करेगी, फर्टिलाइजेशन को प्रिवेंट करने का काम बिल्कुल भी नहीं करेगी, डज नॉट प्रिवेंट फर्टिलाइजेशन, इट हैज एफिनिटी फॉर प्रोजेस्टेरोन रिसेप्टर, इट ब्लॉक्स द एक्शन ऑफ प्रोजेस्टेरोन ऑन द एंडोमेट्रियम एंड इट प्रिवेंट्स इम्प्लांटेशन बाय कॉजिंग स्लफिंग एंड शेडिंग ऑफ डेसिडुआ।
और जो कि सिंगल डोज 10 mg का प्रिवेंट करेगा प्रेगनेंसी को 99.1 केसेस में। कितना? 99.1 केसेस में। अब यहाँ पर जो ऑप्शन दिए थे कि ये फर्टिलाइजेशन को प्रिवेंट करेगी, तो बिल्कुल भी नहीं करेगी। इसके पास प्रोजेस्टेरोन को लेके एफिनिटी है कि ये इसके अगेंस्ट काम, प्रोजेस्टेरोन के अगेंस्ट काम करेगी। सिंगल डोज है जो इसका 10 mg का प्रेगनेंसी को प्रिवेंट नहीं करेगा। फिर यहाँ पर डिलेड मेंस्ट्रुएशन, तो यहाँ पर आपका जो सही आंसर होगा वो क्या होगा? डिलेड मेंस्ट्रुएशन। नेक्स्ट वन इज विच ड्रग इज रिलेटिवली कॉन्ट्राइंडिकेटेड इन ब्रेस्ट फीडिंग। यदि कोई माँ अपने बच्चे को फीड कराती है, नर्सिंग मदर है, तो कौन सी मेडिसिन कॉन्ट्राइंडिकेट रहेगी? प्रोप्रेनोल, सिफेलोस्पोरिन, जिडोविडिन या फिर सल्फोनाइल यूरिया। तो जो मेडिसिन कॉन्ट्राइंडिकेट होगी ब्रेस्ट फीडिंग में वो कौन सी होगी? होगी सल्फोनाइल यूरिया। कौन सी? सल्फोनाइल यूरिया, जो कि एंटी डायबिटिक ड्रग है और यहाँ पर डायबिटिक मेलाइटिस टाइप 2 को मैनेज करने में यूज़ की जाएगी। लेकिन ये ब्रेस्ट फीडिंग, यदि माँ अपने बच्चे को दूध पिलाती है तो उस केस में क्या होगी? कॉन्ट्राइंडिकेट रहेगी। नेक्स्ट वन इज रैमसे स्केल इज यूज फॉर द असेसमेंट ऑफ। बहुत ही अच्छा और प्यारा क्वेश्चन है, आपको एग्जाम में आ सकते हैं। रैमसे स्केल किसको असेस करने में यूज किया जाता है? सेडेशन को, पेन को, अराउजल को, कि ऑल ऑफ द अबव को? जो रैमसे स्केल है किसको असेस करने में यूज होता है? यूज की जाती है सेडेशन के लिए। किसके लिए? सेडेशन के लिए। सबसे ज्यादा कॉमन यूज होने वाली स्केल है रैमसे सेडेशन स्केल। इट डिवाइड्स पेशेंट्स लेवल ऑफ सेडेशन इनटू 6 कैटेगरी। इसमें पूरा लेवल ऑफ सेडेशन को 6 कैटेगरी में डिवाइड किया जाता है। कितनी? 6 कैटेगरी में डिवाइड किया जाएगा, फ्रॉम सीवियर एजिटेशन टू डीप कोमा तक। इसमें जो चीज़ें यूज की जाएंगी वो किस तरीके से, जो सेडेशन स्कोर होंगे वो कितने होंगे? 6 होंगे। पेशेंट इज एंजियस एंड एजिटेटेड और रेस्टलेस और बोथ, तब एक स्कोर दिया जाएगा। पर्सन क्या है, नींद आ रही है उसको लेकिन नहीं भी आ रही है। दूसरे में कोऑपरेट ओरिएंटेड एंड ट्रैंक्विलाइज्ड, मतलब पर्सन को लग रहा है कि अब वो सो जाएगा, तो इसमें 2 स्कोर दिए जाएंगे। पेशेंट रिस्पॉन्ड्स टू कमांड्स ओनली, जो भी चीज़ें आप कह रहे हैं उन चीज़ों को पेशेंट जब मान बस रहा है, तो 3 स्कोर दिया जाएगा। पेशेंट एग्जिबिट ब्रिस्क रिस्पॉन्स टू लाइट ग्लैबलर ट्रैप और लाउड ऑडिटरी स्टिमुलस। जब पर्सन कुछ आप शोर शराबा करेंगे तब भी बहुत ही कम तरीके से रिस्पॉन्स करेगा, तो वो होगा 4 स्कोर आपका। फिर यहाँ पर पर्सन कोई भी, आपने बहुत ज़्यादा लाउड नॉइज किया है, कुछ भी किया, तब पर्सन बहुत ही इवन क्या है, रिस्पॉन्स कम ही देगा, ना कि बराबर देगा। जब पेशेंट कोई रिस्पॉन्स नहीं देगा, मतलब पेशेंट क्या है, कम्प्लीटली सेडेस्ट हो चुका है। तो रैमसे सेडेशन स्केल, क्लियर? 6 स्कोर यहाँ पर, 6 पार्ट में इसको डिवाइड किया जाएगा सेडेशन को, 6 कैटेगरी में, इसमें एजिटेशन से लेकर डीप कोमा तक, सीवियर एजिटेशन टू डीप कोमा तक। नेक्स्ट एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, द न्यूरोट्रांसमीटर इन्वॉल्व इन द अकरेंस ऑफ ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर। आपको एक एग्जांपल याद होगा कि आप गेट लॉक करके आए, आप फिर से दोबारा से चेक करने जाएंगे कि आपने गेट लॉक किया है नहीं, तीसरी बार जाएंगे तो क्या OCD है। फिर यहाँ पर ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर में कौन सा न्यूरोट्रांसमीटर डिस्टर्ब रहेगा? डोपामाइन, एपिनेफ्रिन, एसिटाइल कोलिन या फिर सेरोटोनिन। तो जो न्यूरोट्रांसमीटर डिस्टर्ब रहेगा OCD में वो कौन सा होगा? वो होगा सीरोटोनिन। कौन सा? सीरोटोनिन। ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर एक मेंटल डिसऑर्डर है जिसमें पर्सन रूटीनली किसी भी काम को रिपीटेड करेगा, जिसको हम कंपल्सन कहेंगे, और जो काम जो आइडियाज आपके दिमाग में आते हैं, थॉट्स आते हैं, तो वो ऑब्सेशन कहलाएगा। मान लीजिए आपको लग रहा है कि आपको गेट लॉक करने जाना है, गेट पहले से लॉक है, आपको लगता है कि दोबारा से आप गेट लॉक करने जा रहे हैं, तो आपके मन में थॉट आ रहा है कि गेट अनलॉक है, तो ये क्या हो गया? आपका ऑब्सेशन। जब आपने जाके फिर से गेट लॉक कर दिया तो हो गया आपका क्या? कंपल्सन, मतलब आपने वो काम जाके कर दिया। रूटीनली रिपीटेड, रिपीटेशन मतलब कंपल्सन, और सर्टेन थॉट्स इन योर माइंड, बार बार आपके दिमाग में कुछ थॉट्स आते हैं, तो वो है आपका ऑब्सेशन। यहाँ पर जो न्यूरोट्रांसमीटर डिस्टर्ब होने की बात हो रही वो है सीरोटोनिन। न्यूरोट्रांसमीटर देखिए कितने होते हैं, एड्रेनालिन, नॉरएड्रेनालिन, डोपामाइन, सीरोटोनिन, एसिटाइल कोलिन, गाबा, ग्लूटामेट और एंडोरफिन्स। तो ये क्या है? न्यूरोट्रांसमीटर है। फाइट और फ्लाइट के लिए क्या है? एड्रेनल,
सॉरी एड्रेनलिन, क्या है एड्रेनलिन, डोपामाइन है आपके प्लेजर के लिए, मूड न्यूरोट्रांसमीटर कहलाता है सीरोटोनिन। अब यहाँ पर हम बात करेंगे कि जो कुछ न्यूरोट्रांसमीटर हैं उनका यदि इम्बेलेंस होता है आपकी बॉडी में तो क्या होगा। यदि एसिटाइल कोलिन का लेवल आपकी बॉडी में बढ़ जाता है तब मरीज डिप्रेशन का शिकार हो जाएगा, घट जाएगा तो अल्जाइमर का, इसका यदि डिप्रेशन में पूछे तो हाई होगा क्या एसिटाइल कोलिन, कम होगा एसिटाइल कोलिन किसमें, अल्जाइमर वाले मरीज में। नॉरएपिनेफ्रिन का लेवल यदि बढ़ जाए, हाई हो जाए तब मैनिया, एंजाइटी स्टेट और सिज़ोफ्रेनिया होगा, कम हो जाए तो डिप्रेशन। अब दो हैं जो फिर आता है सोमेटोस्टेटिन, हंटिंगटन्स डिसीज कॉज करेगा, बढ़ेगा और घटता है तो अल्जाइमर्स। फिर आता है डोपामाइन, डोपामाइन बढ़ता है मैनिया में, सिज़ोफ्रेनिया में, कम होता है पार्किंसंस, अल्जाइमर्स में, डिप्रेशन में। सीरोटोनिन डिप्रेशन में इसका लेवल घटेगा, इसीलिए जो मेडिसिन दी जाती हैं वो किसके लिए दी जाती हैं, सीरोटोनिन के लेवल को हाई करने के लिए। मैनिया में इसके अपोजिट होगा, मैनिया में सीरोटोनिन लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है तो उसको कम करने के लिए दिए जाते हैं मेडिसिन। एंजाइटी में क्या होगा, बढ़ेगा। तो बेसिक न्यूरोट्रांसमीटर है उनका यदि डिस्टर्बेंस होता है तो आपकी बॉडी किस तरीके से असर दिखाएगी वो यहाँ पे डिसीज कंडीशन हो गई। नेक्स्ट वन इज द इन्फेक्शन विच इज एक्वायर्ड फ्रॉम एनिमल टू ह्यूमंस। तो ऐसा इन्फेक्शन जो एनिमल्स टू ह्यूमन में होता है वो क्या कहलाएगा, पर्ट्यूसिस, प्लेग, मलेरिया या फिर पोलियो। जो इन्फेक्शन एनिमल्स टू ह्यूमन बीइंग में हो रहा है कहलाता क्या है, जूनोटिक, क्या कहलाएगा, जूनोटिक। और यहाँ पर जूनोटिक क्या है, प्लेग, जो कि इन्फेक्टेड रेड फ्ली के बाइट करने से होगी। अब वो इन्फेक्टेड रेड फ्ली आएंगी कहाँ से, किसी भी रोडेंट्स के ऊपर बैठ के। तो यहाँ पर जो जूनोटिक मतलब एनिमल टू ह्यूमन में होने वाली प्रॉब्लम, और वो यहाँ पर क्या है, प्लेग, क्या है, प्लेग। प्लेग एर्सिनिया पेस्टिस नाम के बैक्टीरिया से फैलती है और जनरली जो इन्फेक्टेड रैट है या फिर माउस है तो उनके जो ये कहेंगे हम यूरिन है, फीकल मटेरियल, उस पर बैठ के जब ये आएंगी, जो भी फ्ली हैं स्पेशली फ्ली, जब वो ह्यूमन बीइंग को बाइट करेंगी तो जो एर्सिनिया पेस्टिस बैक्टीरिया आपकी बॉडी में एंटर करेगा और आपको डिसीज कॉज करेगा। नेक्स्ट वन इज मलेरिया इन्फेक्शन कैन बी ट्रांसमिटेड बाय। तो मलेरिया का इन्फेक्शन किसके थ्रू ट्रांसमिट हो सकता है, वर्टिकल ट्रांसमिशन थ्रू प्लेसेंटल डिफेक्ट। तो बिल्कुल होगा, वर्टिकल का मतलब है माँ से बच्चे में, बाइट ऑफ इन्फेक्टेड फीमेल एनाफिस मॉस्क्यूटो होते हैं तो मेन कॉज है, ब्लड ट्रांसफ्यूजन से भी हो सकता है। तो यहाँ पर आपका आंसर आएगा ऑल ऑफ दी अबव, मलेरिया इन्फेक्शन इन सभी के थ्रू ट्रांसमिट हो सकता है, तो आंसर होगा यहाँ पर आपका ऑल ऑफ दी अबव। नेक्स्ट वन इज हुकबॉम पेनिट्रेट इन टू द बॉडी बाय पेनिट्रेटिंग द स्किन ऑफ। तो जो हुकबॉम इन्फेस्टेशन है, हुकबॉम आपकी बॉडी में पेनिट्रेट करके अंदर जाते हैं, लेकिन बॉडी के किस पार्ट से अंदर जाएंगे, फूट से, हेड से, हैंड से कि ईयर से। तो हुकबॉम आपकी बॉडी में जब आप बेयर लेग होंगे मतलब बिना चप्पल जूते के जाते हैं तब आपके पैरों के थ्रू, फूट के थ्रू आपकी बॉडी में एंट्री करेंगे इंटेस्टाइनल हुकबॉम, जिसको फ्लीरीफॉर्म लार्वा पेनिट्रेट क्या करेंगे आपकी बॉडी में, पेनिट्रेट करके आपकी बॉडी में एंट्री करेंगे। तो यहाँ पर जिसको आप पटार भी कह सकते हैं यदि नॉर्मल वे में आप बात करते हैं तो यहाँ पर एक क्या है, इंटेस्टाइनल हुकबॉम आपकी बॉडी में बेयर फूड्स के थ्रू क्या करेंगे, एंट्री करेंगे, फिर वहीं पर ये बड़े होंगे, पनपेंगे और एक से चार को बनाने का काम करेंगे। नेक्स्ट वन इज सर्जरी डन फॉर मायस्थेनिया ग्रेविसेस। तो मायस्थेनिया ग्रेविस में कौन सी सर्जरी की जाएगी, थायमेक्टोमी, पैलेटोटोमी, सिंपथेक्टोमी या फिर ऑल ऑफ दी अबव। मायस्थेनिया ग्रेविस का सिम्टम होता है प्टोसिस, ड्रूलिंग ऑफ आईलिड्स। तो यहाँ पर जो प्टोसिस है और मायस्थेनिया ग्रेविस की यदि सिचुएशन होती है तो जो सर्जरी के थ्रो क्या किया जाएगा, थायमेक्टोमी सर्जरी यहाँ पे की जाती है, थायमस ग्लैंड को रिमूव कर दिया जाता है। मायस्थेनिया ग्रेविस के पेशेंट में क्या होगा, मसल वीकनेस होगी, वॉलेंट्री कंट्रोल होगा, सॉरी वॉलेंट्री कंट्रोल का मतलब आपका कंट्रोल नहीं होगा, आपके हाथ पर बहुत ज़्यादा हिलेंगे डुलेंगे। और इसमें मेनली कौन सा ऑर्गन अफेक्ट होता है, तो होता है थायमस ग्लैंड, और इसमें
पूरी थायमस ग्लैंड को ही रिमूव कर दिया जाएगा, जो प्रोसीजर कहलाएगा थायमेक्टोमी। नेक्स्ट वन इज डिक्रीज ग्लूकोज इन सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड सजेस्टिव ऑफ। यदि CSF जो ग्लूकोज का लेवल है CSF में कम हो जाए तो ये क्या बताएगा कि इंसेफलाइटिस हुई है, वायरल मेनिनजाइटिस है, ब्रेन एब्सेस है कि बैक्टीरियल मेनिनजाइटिस है, कौन सी बीमारी हुई है यदि ग्लूकोज का लेवल सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड में कम हो जाता है तो। तब ये बताएगा कि पर्सन को बैक्टीरियल मेनिनजाइटिस हुई है, हाइपोग्लाइकोरेसिया या फिर लो ग्लूकोज लेवल इन द सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड, जो कि जनरली द बैक्टीरियल फंगल और ट्यूबरक्लोसिस मेनिनजाइटिस होता है, तभी सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड में क्या होगा, ग्लूकोज का लेवल कम होगा। बेस्ड ऑन ऑप्शन के हम बात करते हैं तो जब भी बैक्टीरियल प्रॉब्लम होती है तभी सीएसएफ में ग्लूकोज का लेवल कम होगा, और यहाँ पर जो ऑप्शन है वो क्या होगा, बैक्टीरियल मेनिनजाइटिस। नेक्स्ट वन इज कॉमन साइड इफेक्ट ऑफ ड्रग फेनिटोइन इज। तो फेनिटोइन किसके लिए यूज़ की जाती है, जनरली एपिलेप्टिक पर्सन के लिए। फेनिटोइन का जो साइड इफेक्ट है वो क्या, ब्लीडिंग गम, जिंजिवल हाइपरप्लासिया, गुनोइड अपीयरेंस या फिर ऑल ऑफ दी अबव। तो साइड इफेक्ट कॉमन पूछा है फेनिटोइन का वो होगा जिंजिवल हाइपरप्लासिया। क्या है, ओवर ग्रोथ ऑफ गम्स टिश्यू अराउंड द टीथ। जिंजिवल हाइपरप्लासिया का मतलब क्या है, जो आपके गम्स टिश्यू है उसके चारों तरफ ज़्यादा ग्रोथ का होना, जो फेनिटोइन एक एंटी एपिलेप्टिक ड्रग है, इसके और अदर साइड इफेक्ट भी होते हैं। तो ये क्या, हेडेक है, नोजिया, वॉमिटिंग, कॉन्स्टिपेशन, डिजीनेस है, फीलिंग ऑफ स्प्लिंग, ड्राउजीनेस, ये सब क्या है, इसके कॉमन कॉम्प्लिकेशन है। लेकिन इसका जो एज एन एग्जाम बेस्ड आने वाला कॉम्प्लिकेशन होता है, साइड इफेक्ट होता है, उधर जिंजिवल हाइपरप्लासिया। और ये जनरली इस मेडिसिन के अलावा यदि आप पुअर ओरल हाइजीन मेंटेन करके रखते हैं कुछ और मेडिकेशन के कारण, तब भी आपको हो सकता है। तो यदि हम फेनिटोइन की बात करें तो यहाँ पर जो साइड इफेक्ट होगा इस ड्रग का वो क्या होगा, जिंजिवल हाइपरप्लासिया, मतलब आपके दांतों के यहाँ पर जो मसूड़े हैं उनकी ग्रोथ ज़्यादा देखने को मिलेगी। नेक्स्ट इज मास्क लाइक फेस इज द क्लिनिकल फीचर ऑफ। तो मास्क लाइक फेस किसका क्लिनिकल फीचर है, मेंटल रिटार्डेशन का, पार्किंसंस डिजीज का, मल्टीपल स्क्लेरोसिस का, कि ग्लिनवेयर सिंड्रोम का। मास्क लाइक फेस देखने को मिलता है किसमें, पार्किंसंस डिजीज में, इसमें पार्किंसंस डिजीज में। नेक्स्ट वन इज राम 32 ईयर मेल हैज बीन एडमिटेड टू द इंटेंसिव केयर यूनिट फॉलोइंग अ मोटर व्हीकल एक्सीडेंट, असेसमेंट फाउंड अ पॉजिटिव किलिंग साइन, व्हाट डज दिस इंडिकेट। यदि यहाँ पर राम नाम का पेशेंट है, 32 साल का है, मोटर एक्सीडेंट, रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट के मरीज आया है, पॉजिटिव कुलिन साइन देखने को मिल रहा है, तो पॉजिटिव कुलिन साइन का मतलब क्या है, हीमोथेरेक्स है, स्कल फ्रैक्चर है, पेल्विक फ्रैक्चर है, कि रेट्रोपेरिटोनियल फ्रैक्चर है, यहाँ पर एक क्या है, कुलिन साइन। आपने पढ़ा है कुलिन साइन किसमें देखने को मिलता है, देखने को मिलता है पैंक्रियाज वाले मरीज में, किसमें, पैंक्रियाटाइटिस वाले मरीज में। अब यहाँ पर यही चीज़ देखने को मिलेगी रेट्रोपेरिटोनियल फ्रैक्चर वाले पेशेंट में, इस तरीके से क्लीन इज द हेमरेजिक डिस्कलरेशन ऑफ द अम्बिलिकल एरिया ड्यू टू इंट्रापेरिटोनियल हेमरेज। किसी भी रीजन से यदि इंट्रापेरिटोनियल कैविटी में क्या हो रही है, ब्लीडिंग हो रही है, तो क्या कहलाएगा, कुलिन साइन। और यहाँ पर जो फ्रैक्चर हुआ है वो हुआ है रेट्रोपेरिटोनियम कैविटी में फ्रैक्चर, जो कि यहाँ पर एक तरीके से हमें कहेंगे कि जो ब्लीडिंग जैसे दिख रहा है रेट्रोपेरिटोनियल फ्रैक्चर है। ग्रे टर्नर साइन और कुलिन साइन दोनों देखने को मिलते हैं किसमें, पैंक्रियाटाइटिस में। नेक्स्ट वन इज एट्रोपिन इज कॉमनली यूज प्रायर टू एडमिनिस्ट्रेशन इफ इनहेलेंट एनेस्थेटिक्स टू रिड्यूस। तो एट्रोपिन का यूज़ किया जाता है जनरली कोई भी एनेस्थीसिया देने के पहले, क्यों, मसल टोन के लिए, सीक्रेशन के लिए, कि नोजिया वॉमिटिंग के लिए, कि ऑल ऑफ दी अबव के लिए। तो एट्रोपिन यूज़ की जाती है सीक्रेशन को कम करने के लिए, सीक्रेशन कम होगा तभी एस्पिरेशन से प्रिवेंट कर पाएंगे, अदरवाइज इधर सर्जरी चल रही है, मरीज उधर एस्पिरेट कर गया तो और ज़्यादा प्रॉब्लम डेवलप होगी। नेक्स्ट वन इज अर्ली फीचर्स ऑफ एस्पिरिन पॉइजनिंग आर। तो पॉइजनिंग का जो अर्ली, यदि एस्पिरिन ओवरडोज हो जाती है
या फिर इसकी टॉक्सिसिटी होती है तो क्या अर्ली साइन होंगे? रैसेस आएंगे, मेटाबॉलिक एसिडोसिस होगी, रिंगिंग सेंसेशन होगा ईयर्स में कि हेडेक होगा। एस्प्रिन का जो फर्स्ट क्लासिकल ओवरडोज वाला साइन होता है वो होता है टिनिटस। क्या होगा? टिनिटस, दैट मीन्स रिंगिंग सेंसेशन इन द ईयर, आपको कानों में लगेगा कि जैसे घंटी बज रही है। नेक्स्ट वन इज मैक्सिमम स्कोर ऑफ MMSE, मिनी मेंटल स्टेटस एग्जामिनेशन। MMSE का मैक्सिमम स्कोर कितना होता है? 13, 47, 30 या फिर 55। MMSE साइकेट्रिक में यूज किया जाता है। MMSE का जो मैक्सिमम स्कोर होता है वो होता है 30। इस तरीके से आपने जब अपनी साइकेट्रिक ड्यूटी की होगी, साइकेट्रिक हॉस्पिटल में गए होंगे थर्ड ईयर BSc में, तब आपने ये भरा होगा, ये फॉर्म टाइप से है जो आपके पास। ये मिनी मेंटल स्टेटस एग्जामिनेशन, मतलब MMSE स्कोर के अकॉर्डिंग जब पर्सन का स्कोर 24 से 30 हो, मतलब पर्सन में नो कॉग्निटिव इम्पेयरमेंट है, 18 से 23 है तो माइल्ड, और 0 से 17 है तो सीवियर, मतलब पर्सन को कुछ भी याद नहीं है। मिनी मेंटल स्टेटस एग्जामिनेशन और फॉलस्टीन टेस्ट, दूसरा नाम है फॉलस्टीन टेस्ट, 30-point क्वेश्चनायर है जिसमें क्लिनिकली या फिर कॉग्निटिव इम्पेयरमेंट को चेक करने के लिए यूज किया जाता है। ये आई थिंक MMSE का क्वेश्चन OSSE के एग्जाम में भी रिसेंट में पूछा गया था, आप लोग एक बार चेक कर लेना। नेक्स्ट इज व्हाट इज द कंडीशन इन विच चाइल्ड इज पुलिंग आउट हेयर, कौन सी कंडीशन है जिसमें बच्चे अपने बाल खींचने लगते हैं? इमिप्रामाइन में, एक्रोफोबिया में, ओलेंजापाइन में, कि ट्राइकोटलोमेनिया में? कौन से केस में बच्चे अपने खुद के बाल खींचने लगते हैं? इवन आजकल तो बड़े भी खींचने लगे हैं, वो कहलाता है ट्राइकोटलोमेनिया। क्या है? ट्राइकोटलोमेनिया, जो कि एक तरीके से बच्चों में कभी कभी बच्चे बहुत ज़्यादा इरिटेट होंगे या फिर कुछ उसमें प्रॉब्लम होगी तब वो अपने खुद के बाल नोचना स्टार्ट कर देते हैं। नेक्स्ट वन इज व्हेन अ पेशेंट इज नॉट अवेयर ऑफ हिज और हर मेंटल इलनेस, इट्स कॉल्ड, जब पर्सन अपने अपने आसपास के बिहेवियर से अनभिज्ञ हो या फिर हमें कहें कि उसको कुछ भी पता ना हो तो क्या कहलाएगा? डिसोरिएंटेशन, लैक ऑफ इंसाइट, लैक ऑफ कंसंट्रेशन या फिर अनकॉन्सियसनेस। अ पर्सन व्हेन इट्स नॉट अवेयर ऑफ हिज और हर ऑन मेंटल इलनेस, उसको अपनी बीमारी के बारे में पता नहीं है तो क्या कहलाएगी? लैक ऑफ इंसाइट। नेक्स्ट वन इज विटामिन ए इन वेजिटेबल सोर्सेस कॉल्ड, विटामिन ए यदि वेजिटेबल सोर्स के थ्रू पूछा जाता है तो क्या रेटिनॉल है, कैरोटीन है, पेंटोथेनिक एसिड है कि कैल्सीफेरॉल है? तो विटामिन के लिए जब विटामिन ए के लिए जब वेजिटेबल सोर्स से पूछते हैं तो ये कहलाएगा कैरोटीन। क्या होगा? कैरोटीन। रेटिनॉल होगा जब एनिमल फूड के थ्रू मिलेगा। याद रखें, यदि वेजिटेबल सोर्स पूछे विटामिन ए का, वेजिटेबल सोर्स पूछे तब कैरोटीन, और यदि विटामिन ए का एनिमल सोर्स पूछे तब रेटिनॉल। आपको कंफ्यूज नहीं हो रहा है, जो कि एक फैट सॉल्युबल विटामिन ए, तो कैरोटीन का मतलब अल्फा कैरोटीन हो सकता है, बीटा कैरोटीन हो सकता है, जो कि आपको फल फूल सब्जियों से मिलेगा, लेकिन रेटिनॉल आपको एनिमल बेस्ड फूड से मिलेगा। नेक्स्ट वन इज विच पोजिशन शुड बी गिवन फॉर अ वूमेन ड्यूरिंग यूरिनरी कैथेटराइजेशन, यदि किसी फीमेल लेडी को आप क्या कर रहे हैं, फीमेल को कैथेटराइजेशन कर रहे हैं, कौन सी पोजीशन देंगे? सुपाइन, डॉर्सल, फॉलोअर्स की, ऑल ऑफ दी अबव। यदि किसी फीमेल क्लाइंट को आप यूरिनरी कैथेटराइजेशन करते हैं तब आप उसको डॉर्सल रिकमेंड पोजीशन देंगे। मेल में आपको यदि लगता है कि मेल में कैथेटराइजेशन करना ईजी है तो नहीं, मेल में कैथेटराइजेशन प्रोस्टेट ग्लैंड के कारण, क्योंकि यहाँ पर एक कर्व शेप हो जाता है एस शेप में, तो मेल का जो यूरेथ्रा है क्या है, लॉन्ग साइज का रहेगा, बट फीमेल में यूरेथ्रा शॉर्ट साइज का रहता है, इसलिए UTI भी सबसे ज़्यादा फीमेल में देखने को मिलेगा। नेक्स्ट वन इज विच मैन्यूवर इज सीन इन दिस इमेज, यहाँ पर लोअर एब्डोमेन की तरफ दो हाथ दिख रहे हैं तो कौन सा मैन्यूवर दिखाया जा रहा है? लॉपसेट, डनकेन, क्रैट्स या फिर वाल्सालवा मैन्यूवर? सभी मैन्यूवर आपने पढ़े हुए हैं, आंसर दीजिए कि कौन सा मैन्यूवर यहाँ पे आपको दिखाया जा रहा है। ये कहलाएगा क्रैट्स मैन्यूवर। कौन सा? क्रैट्स मैन्यूवर।
इसका यूज़ कब किया जाता है? जब प्लेस योर पाम्स फ्लैट ऑन द पेशेंट्स एब्डोमेन जस्ट बिलो द नेवल, देन अप्लाई जेंटल फर्म प्रेशर एंड मूव डाउनवर्ड टुवर्ड द सिम्फाइसिस प्यूबिस। तो क्या है? ये क्रिएट्स मैन्यूवर, क्या कहलाएगा? ये कहलाएगा क्रिएट्स मैन्यूवर। तो जो यहाँ पर क्रिएट्स मैन्यूवर है, ये आपको एग्जाम में आया हुआ है। क्रिएट्स मैन्यूवर का यूज कब किया जाता है? टू वॉइड यूरिन फ्रॉम द ब्लैडर ऑफ एन इंडिविजुअल, ऐसे पर्सन को यदि यूरिन पास नहीं हो रही है। ध्यान से सुनिए, ब्लैडर के यहाँ पर फॉर्मली प्रेशर लगाया जा रहा है। क्यों? यदि पर्सन को यूरिन पास नहीं हो रही है, उस यूरिन को बाहर निकालने के लिए क्रिएट्स मैन्यूवर अपनाया जाता है। किसी डिसीज के कारण या फिर किसी और रीजन से आपने यूरिन जाना था, आप फिर नहीं गए, भूल गए, फिर आपको यूरिन पास नहीं हो रही है, सूसू नहीं आ रही है, तभी क्रिएट्स मैन्यूवर अपनाया जाएगा। बहुत ही फर्मली प्रेशर लगाया जाएगा एब्डोमेन जस्ट बिलो द नेवल के, फिर यहाँ पर थोड़ा सा प्रेशर लगाया जाएगा क्योंकि यहीं ब्लैडर रहेगा, ताकि आप यूरिन पास कर सकें। तो यूरिन को पास करने के लिए क्रिएट्स मैन्यूवर अपनाया जाता है। नेक्स्ट वन इज इन इमेज क्यूलिन साइन एंड ग्रेट अर्नर साइन सीन, दोज आर द क्लासिकल साइन ऑफ विच डिसीज। अब बताइए आप लोग, यहाँ पर एक इमेज में क्यूलिन साइन दिख रहा है, एक में ग्रेट अर्नर साइन दिख रहा है, तो किस डिसीज में देखने को मिलेंगे? पैंक्रेटाइटिस, गैस्ट्राइटिस, अपेंडिसाइटिस, या फिर नन ऑफ द अबव। तो ये जो साइन दिखाए जा रहे हैं, ये किस में देखने को मिलेंगे? ये देखने को मिलते हैं पैंक्रेटाइटिस में। किस में? पैंक्रेटाइटिस में। क्यूलिन है, इरेगुलर हेमरेजिक पैचेस अराउंड द अम्बिलिकस, ये रहे। ग्रेट अर्नर है, बाइलेटरल फ्लैंक ब्रुसिंग और इकोमाइसिस, जो कि क्लासिकल फाइंडिंग होती है रेट्रोपेरिटोनियम या फिर किडनी या फिर पैंक्रियास के आसपास ब्लीडिंग होने के कारण। नेक्स्ट है यहाँ पर आपका क्वेश्चन, मर्फी साइन इज सीन इन विच डिसीज। मर्फी साइन किस डिसीज में देखने को मिलेंगे? कोलीसिस्टाइटिस, कोलीलिथियासिस, मल्टीपल माइलोमा या फिर कार्डियक टेम्पोनेट। कार्डियक टेम्पोनेट का थ्री ट्रायड साइन आपको एग्जाम में आता है, कोलीलिथियासिस और कोलीसिस्टाइटिस। तो कोलीलिथियासिस का मतलब होगा कि गॉल ब्लैडर में स्टोन का फॉर्मेशन होना। अब कोलीसिस्टाइटिस में मर्फी साइन देखने को मिलेगा। गॉल ब्लैडर डिसीज के लिए एक टेस्ट तरीके से किया जाएगा, व्हाइल द एग्जामिनर हुक्स हिज फिंगर अंडर द लिवर बॉर्डर ब्रॉडर एंड प्रेसेस, इनहेलेशन कॉज द गॉल ब्लैडर टू डिसेंड प्रोड्यूसिंग पेन और इफ इट इज इन्फ्लामेशन। तो गॉल ब्लैडर की डिसीज को असेस करने के लिए, मतलब कोलीसिस्टाइटिस को चेक करने के लिए मर्फी साइन है जो एज एन डायग्नोस्टिक साइन के तौर पे यूज किया जाएगा। मर्फी साइन किस में देखने को मिलेगा? कोलीसिस्टाइटिस में। नेक्स्ट वन इज बेस्ट मेथड यूज्ड फॉर स्पुटम डिस्पोजल। तो स्पुटम डिस्पोजल के लिए बेस्ट मेथड कौन सी है? ब्लीचिंग पाउडर, फिनॉल, बर्निंग या फिर फ्यूमिगेशन। फ्यूमिगेशन ओटी में यूज़ की जाती है, बर्निंग बॉडी के पार्ट्स को इंसिनरेट करने के लिए यूज़ किया जाता है। स्पुटम को जो डिस्पोज किया जाता है किससे? ब्लीचिंग पाउडर से। किससे? ब्लीचिंग पाउडर से। नेक्स्ट वन इज आपने पढ़ा है कि मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट कब तक जो अबॉर्शन करवा सकते हैं अकॉर्डिंग टू एमटीपी एक्ट के तहत। बट यहाँ पर है कि एमटीपी एक्ट में प्रेगनेंसी को टर्मिनेट आप कब नहीं करवा सकते, नॉट अलाउ टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी आफ्टर 30 वीक्स, 20 वीक्स, 24 वीक्स या फिर 28 वीक्स। तो एमटीपी एक्ट के अकॉर्डिंग प्रेगनेंसी को टर्मिनेट 20 वीक की प्रेगनेंसी के बाद टर्मिनेशन नहीं करवा सकते हैं। यदि एमटीपी अमेंडमेंट एक्ट की बात करते तो आप 24 वीक्स कह सकते हैं, बट यहाँ पर ओनली एमटीपी एक्ट का है, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट है जो अकॉर्डिंग टू दैट, तो इसके अकॉर्डिंग है जो एमटीपी एक्ट के अकॉर्डिंग 20 वीक की प्रेगनेंसी के बाद अबॉर्शन नहीं करवा सकते हैं। जो इंडिया में कुछ विषम परिस्थितियों में अबॉर्शन को लीगल कहा जाता है, अब यहाँ पर परफॉर्म किया जाता है 20 वीक तक, लेकिन कुछ एक्सेप्शनल केस में 24 वीक्स तक है जो, तो 24th वीक में आपको कोर्ट की परमिशन लेनी पड़ती है, तब अबॉर्शन किया जा सकता है। तो यहाँ पर दो तरीके के एक्ट हैं। फर्स्ट है एमटीपी एक्ट 1971 में जो आया था, पास हुआ था 1971 में, तो इसके अकॉर्डिंग ओनली मैरिड वुमेन का ही यदि कॉन्ट्रासेप्टिव फेलियर होता है तो उनका अबॉर्शन हो सकता है,
लेकिन अमेंडमेंट एक्ट जो 2021 में आया था इसमें कहा गया था कि अनमेरिड वुमेन भी अबॉर्शन करवा सकती हैं। फिर जेस्टेशनल एज तो जो एमटीपी एक्ट की है 1971 वाले की, तो उसकी ओनली 20 वीक है, लेकिन एमटीपी अमेंडमेंट एक्ट में जो जेस्टेशनल एज है ये 24 वीक, जो रेप सर्वाइवर है उनके लिए 24 वीक, और जिस बच्चे में यदि फीटल एबनॉर्मलिटी हो तो उनको 24 वीक के बाद भी अबॉर्शन किया जा सकता है। अब यहाँ पर अभी तक तो आपके एग्जाम में इस तरीके का क्वेश्चन नहीं आया है कि जो मेडिकल प्रैक्टिशनर है कितने लोग इसको अबॉर्ट कर सकते हैं, तो 1 रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर 12 वीक के लिए, लेकिन यदि 20 वीक की प्रेगनेंसी है तो 2nd मेडिकल प्रैक्टिशनर की ज़रूरत भी पड़ सकती है। और यहाँ पर मेडिकल अप्रूवल के यदि 24 वीक का होता है तो मेडिकल अप्रूवल की ज़रूरत आपको फर्स्ट पड़ेगी, कंसेंट फॉर्म भी साइन करवाया जाएगा, कंसेंट तो दोनों में करवाया जाएगा कि इनके पेशेंट को कुछ होता है तो हम जिम्मेदार नहीं हैं, वो एक लीगल इम्प्लिकेशन होता है, ताकि आप यदि मरीज को कुछ भी होता है उस टाइम पे तो आप उसके लिए ज़िम्मेदार नहीं हैं, तो वो आपका कंसेंट फॉर्म होगा। तो यहाँ पर यह था एमटीपी एक्ट 1971 और 21 अमेंडमेंट एक्ट। नेक्स्ट वन इज अंडर एमसीएच प्रोग्राम मैटरनल चाइल्ड प्रोग्राम आयरन फॉलिक एसिड टैबलेट्स टू बी गिवन डेली टू मदर्स। यदि एमसीएच प्रोग्राम के तहत आयरन फॉलिक एसिड टैबलेट हैं जो डेली माँ को कितनी देनी चाहिए, 60 mg आयरन प्लस 500 mcg फॉलिक एसिड, 100 mg आयरन प्लस 500 mcg फॉलिक एसिड, 60 mg आयरन या फिर 100 mcg फॉलिक एसिड और 100 mg आयरन या फिर 100 mcg फॉलिक एसिड। तो मैटरनल चाइल्ड हेल्थ प्रोग्राम के तहत जो आयरन फॉलिक एसिड का डोज दिया जाता है माँ को वो होता है 100 mg आयरन और 500 mcg फॉलिक एसिड, ताकि हम माँ को एनीमिया से प्रिवेंट कर सकें। तो एमसीएच प्रोग्राम के तहत जो मैटरनल हेल्थ प्रोग्राम के तहत मैटरनल हेल्थ, फैमिली प्लानिंग, चाइल्ड हेल्थ, स्कूल हेल्थ, हैंडीकेप चिल्ड्रन और ऐसे बच्चे जो कि डे केयर सेंटर्स में रहते हो उन सभी को यहाँ पर प्राइमरी हेल्थ केयर प्रोवाइड करवाई जाएगी। तो यहाँ पर यदि आयरन फॉलिक एसिड का डोज पूछते हैं एमसीएच प्रोग्राम में तो 100 mg आयरन प्लस 500 mcg फॉलिक एसिड रहेगा। नेक्स्ट वन इज इन इंट्राथेकल इंजेक्शन एडमिनिस्ट्रेशन अ ड्रग थ्रू द, तो जो इंट्राथेकल इंजेक्शन होते हैं यहाँ पे ड्रग कहाँ पे दी जाती है, सुपरफिशियल वेन में, कार्डियक एरिया में, नी में या फिर स्पाइन में। तो जो इंट्राथेकल इंजेक्शन होते हैं इसमें ड्रग का एडमिनिस्ट्रेशन किया जाता है स्पाइन में, कहाँ पर, रीढ़ की हड्डी में जिसको हम कहेंगे, तो स्पाइन में इंट्राथेकल इंजेक्शन लगाए जाते हैं जब डायरेक्टली सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूड में आपको कोई भी मेडिसिन भेजनी हो, तो क्या कहलाते हैं इंट्राथीकल इंजेक्शन, में कहाँ पे लगाए जाते हैं, स्पाइन में। नेक्स्ट है यहाँ पर आपका क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग इज यूज्ड फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ नॉक्टुरल एन्यूरेसिस। नॉक्टुरल एन्यूरेसिस का मतलब क्या है, रात में बेड वेटिंग करना, बिस्तर में सुसू करना, तो इसको ट्रीट करने के लिए कौन सी ड्रग यूज की जाती है, इमिप्रामाइन, ट्राजोडोन, क्लोरम्फामाजीन या फिर सर्ट्रेलिन। तो यहाँ पर जो मेडिकेशन यूज की जाती है वो कौन सी है, तो इमिप्रामाइन एज एन ट्राइसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट है जिसका यूज किया जाता है नॉक्टुरल एन्यूरेसिस के लिए। ऐसा नहीं कि आपको बच्चा 3 साल का है आप उसको दवाई देना स्टार्ट कर दें या फिर कुछ रीजन से, तो यहाँ पर जो जनरली बेड वेटिंग बच्चों में 6 ईयर के बाद अपने आप सबसाइड हो जाती है, बहुत ही रेयरली करेंगे बिस्तर में सोसू, लेकिन यहाँ पर इन केस बच्चे में कुछ और प्रॉब्लम है तब डॉक्टर इमिप्रामाइन प्रिस्क्राइब करेगा। इमिप्रामाइन एक ट्राईसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट है जिसका यूज है जो नॉक्टुरल एन्यूरेसिस को ट्रीट करने के लिए किया जाएगा। तो यहाँ पर क्या है आपकी ड्रग इमिप्रामाइन, जो कि जनरली डिप्रेशन को ट्रीट करने में यूज की जाती है, लेकिन जब एंजाइटी हो, पैनिक डिसऑर्डर हो, तब इसका यूज किया जा सकता है, लेकिन इसका एज ए ड्रग ऑफ चॉइस भी पूछते हैं कि कौन सी मेडिसिन बेड वेटिंग के लिए यूज की जाएगी, तो वो होगी इमिप्रामाइन, ब्रांड नेम टोफ्रानिल के नाम से मार्केट में आपको मिल जाएगी। नेक्स्ट इज व्हाट शुड यू मॉनिटर व्हेन अ पेशेंट टेकिंग हाई डोज ऑफ एसिटामिनोफेन ओवर अ प्रोलॉन्ग पीरियड। यदि पर्सन लंबे टाइम तक
एसिटामिनोफेन ले रहा है तो आप उसके लिए कौन सा टेस्ट करवाएंगे? पीटी टाइम, जीआई इरिटेशन, किडनी फंक्शन की लिवर फंक्शन? तो यहाँ पर एसिटामिनोफेन हो गई, पैरासिटामॉल हो गई, आपकी जो डोलो के नाम से आप खाते हैं। यदि आप लंबे टाइम से मेडिसिन ले रहे हैं तो आपका लिवर फंक्शन एलएफटी है जो चेक किया जाएगा, क्योंकि जो डोलो है या फिर आपकी एसिटामिनोफेन हो गई, मेफ्टॉल हो गई या फिर पैरासिटामॉल हो गई, ये क्या करती हैं, लिवर को डैमेज करने का काम भी कर सकती हैं, क्योंकि ये जो मेडिकेशन है सीधा लिवर के थ्रू ही आपकी बॉडी में मेटाबोलाइज होंगी। इसीलिए जब आप डोलो भी खाते हैं तो एटलीस्ट आपको कहा जाता है कि 5 से 6 घंटे का गैप दे के लीजिए। इवन इनके बच्चों में जो मेडिकेशन दी जाती है, आपने देखा होगा जो बच्चों में मेडिकेशन देते हैं जिसमें पैरासिटामॉल कंटेंट रहता है, उसमें लिखा होता है कि एवरी 6 आवर के बाद और ओनली 24 आवर में 4 डोज ही देना है, इससे ज़्यादा नहीं देना, अदरवाइज लिवर डैमेज हो सकता है। तो इसीलिए क्योंकि जो एसिटामिनोफेन है या डोलो हो गई, आपकी पैरासिटामॉल हो गई, लिवर को डैमेज करने का काम कर सकती, इसीलिए लिवर फंक्शन टेस्ट है जो किया जाता है। नेक्स्ट वन इज रीड स्टेनबर्ग सेल्स इन नोट्स आर फाउंड इन। रीड स्टेनबर्ग सेल्स नोट्स है कहाँ पे पाए जाते हैं, ल्यूकेमिया में, हॉकिंस लिम्फोमा में, नॉन हॉकिंस लिम्फोमा में की मल्टीपल माइलोमा में। तो यहाँ पर कहा है रीड स्टेनबर्ग सेल्स तो नोट्स टाइप से पाए जाएंगे, पाए जाते हैं हॉकिंस लिम्फोमा में। किसमें? हॉकिंस लिम्फोमा में। इनका दूसरा नाम है लैक्यूनर हिस्टोसाइट्स फॉर सर्टेन टाइप्स ऑफ डिसिग्निटिव जायंट सेल्स होगी, जो कि यहाँ पर पर्सन को हॉकिंस लिम्फोमा में देखने को मिलेंगी। और ये बी लिम्फोसाइट का ड्राइव्ड फॉर्म भी है, इनकी जो हम ये कह सकते हैं कि पेरेंट सेल है वो तो बी सेल्स होंगी, बी लिम्फोसाइट्स होंगी, लेकिन जो रीड स्टेनबर्ग सेल्स से बनती किसमें है, जिस पर्सन को हॉकिंस लिम्फोमा हुआ होता है। जब आपकी बॉडी बहुत ज़्यादा बी लिम्फोसाइट्स का प्रोडक्शन करने लगती है, कब होगा, जब आपकी बॉडी बहुत ज़्यादा लिम्फेटिक सिस्टम का कैंसर ही हम जिसको कहेंगे, तो इसमें आपकी बॉडी बहुत ज़्यादा क्या करेगी, बहुत ज़्यादा जो लिम्फोसाइट्स है उनका प्रोडक्शन करेगी, जो कि बी सेल्स है। हॉकिंस लिम्फोमा में रीड स्टेनबर्ग लिम्फोसाइट्स बनने लगती हैं, जिनको रीड स्टेनबर्ग सेल्स या फिर नोड्यूल्स के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट वन इज विच नर्सिंग इंटरवेंशन इज अप्रोप्रिएट टू प्रिवेंट पल्मोनरी एम्बोलिस इन अ पेशेंट हु इज प्रिस्क्राइब्ड बेड रेस्ट। यदि जिस मरीज को बेड रेस्ट के लिए कहा गया है तो उसके लिए आप कौन सा इंटरवेंशन या फिर कौन सा उपाय बताएंगे जिससे उसमें पल्मोनरी एम्बोलिस में डेवलप ना हो पाए। लिमिट द पेशेंट फ्लूड इनटेक, इनकरेज डीप ब्रीथिंग एंड कफिंग, यूज द नी गैच व्हेन द क्लाइंट इज इन बेड या फिर टीच द पेशेंट टू मूव लेग्स इन बेड। यदि किसी को बेड रेस्ट किया दिया गया है, कंप्लीट बेड रेस्ट कहा गया है, मान लीजिए किसी को चल फिर नहीं सकता है, तो ऐसे केस में आप एज अ नर्स क्या कर सकते हैं, आप ऐसे केस में उस पेशेंट को ताकि पल्मोनरी एम्बुलेंस में डेवलप ना हो, उसके लिए आप उसको क्या टीच कर सकते हैं कि आप अपने पैर चलाइए ताकि सर्कुलेशन प्रॉपर हो और एम्बुलेंस का फॉर्मेशन ना हो। तो यहाँ पर आपका आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट वन इज डेलीरियम ट्रिमर्स इज अ विड्रावल सिम्टम ऑफ। तो डेलीरियम ट्रिमर्स किसके विड्रावल सिम्टम है, ओपियोइड्स के, एल्कोहलिज्म के, कैनाबिस के कि कोकीन के। डेलीरियम ट्रिमर्स आपने नाम सुना होगा, ये है सिम्टम, विड्रावल सिम्टम हम जिसको कहेंगे, मतलब कोई भी चीज़ खाने के बाद उसको छोड़ दो तो आपकी बॉडी उसके अगेंस्ट कुछ सिम्टम्स करेगी, वो कहलाता है विड्रावल सिम्टम। और डेलीरियम ट्रिमर विड्रावल सिम्टम है एल्कोहल का, कि आपने बहुत ज़्यादा शराब पी लेकिन अचानक से आपके घर वालों ने लड़के मारपीट करके या तो आपको रिहैबिलिटेशन सेंटर भेज दिया या फिर शराब छुड़वा दी, तो आपकी बॉडी कुछ ऐसे सिम्टम्स हो करेगी तो वो क्या कहलाएगा, विड्रावल सिम्टम। और डिलेरियम ट्रिमर्स देखने को मिलता है किसमें, सीवियर एल्कोहल वाले मरीज में, जैसे कि उसके हाथ पैर का कांपना, कन्फ्यूजन होना, उसको हेलुसिनेशन होना। डिलेरियम ट्रिमर्स में ये तो जनरली जब होते हैं कि आपने 2 या फिर 2 से 5 दिन हो गए आपको लास्ट ड्रिंक किए हुए, देन आफ्टर आपको अचानक से मन हो रहा है कि शराब पीना है लेकिन नहीं मिलती है उस टाइम पे शराब, तो आपकी बॉडी जो
हाथ पैर कपेंगे आपके, हाई बीपी होगा, फीवर होगा, हेलुसिनेशन होंगे। तो ये सब क्या है, यहाँ पे विड्रॉल सिम्टम हो गए। अभी रिसेंट में जो एग्जाम हुआ उसमें डिटरेंट एजेंट पूछा गया था एल्कोहलिज्म का OSSC में, तो आपको उसका नाम है जो याद रखना है, डाइसल्फ्राम। नेक्स्ट वन इज अ क्रॉनिक एल्कोहलिक पेशेंट ब्लेम्स हिज फैमिली एनवायरनमेंट फॉर हिज एल्कोहलिज्म, विच ऑफ द फॉलोइंग डिफेंस मैकेनिज्म वाज यूज्ड फॉर पेशेंट। एक मरीज है, एक पेशेंट है, लंबे टाइम से शराब पीता है, लेकिन वो अपनी शराब पीने की आदत के लिए अपनी फैमिली को या फिर अपनी वाइफ या अपने बच्चों को रिस्पॉन्सिबल मानता है। तो ये क्या है, प्रोजेक्शन है, सब्लिमेशन है, डिलाइन है कि रेशनलाइजेशन है। तो ये जो यहाँ पे डिफेंस मैकेनिज्म काम कर रही है ये कहलाएगी प्रोजेक्शन, अपनी चीज किसी और पे, अपना ब्लेम किसी और पे डालना, वो क्या है प्रोजेक्शन। डिनाइल का मतलब है कि आप कोई भी चीज़ एक्सेप्ट करने के लिए रेडी ही नहीं हो। नेक्स्ट वन इज कन्फर्मेटरी डायग्नोस्टिक टेस्ट फॉर मल्टीपल प्रेगनेंसी। तो मल्टीपल प्रेगनेंसी के लिए डायग्नोस्टिक टेस्ट कौन सा होगा, HCG हार्मोन, अल्ट्रासोनोग्राफी, अल्फा फीटो प्रोटीन या फिर पाल्पेशन। कन्फर्म करना है कि मल्टीपल प्रेगनेंसी है या फिर सिंगल प्रेगनेंसी है, सिंगलेटन प्रेगनेंसी है। कैसे पता चलेगा, अल्ट्रासोनोग्राफी से, जो कि क्लियर कट रिजल्ट बताएगी। HCG सिंगल टोन में भी रिलीज होगा और मल्टीपल में भी होगा, अल्फा पीटो प्रोटीन भी होगा, लेकिन यहाँ पे कंफर्मेटरी डायग्नोस्टिक टेस्ट अल्ट्रासोनोग्राफी से बेस्ट तरीके से पता चलेगा। नेक्स्ट वन इज कॉमन कॉम्प्लिकेशन आफ्टर परफोरेशन ऑफ अपेंडिक्स। यदि अपेंडिक्स में परफोरेशन होता है तो कॉमन कॉम्प्लिकेशन कौन सा होगा की जा रही है अपेंडिक्स में परफोरेशन के बाद, तो होगा पेरिटोनाइटिस, जो पेरिटोनियम कैविटी है, तो वहां पे क्या होगा, पस देखने को मिलेगी। तो यहाँ पर आपका आंसर क्या होगा, पेरिटोनाइटिस, अपेंडिसाइटिस में, जो अपेंडिक्स से बस्ट होगी आपके लाइनिंग ऑफ योर एब्डोमेन में, पेरिटोनियम में, तो इसमें कुछ बैक्टीरिया भी होंगे, बैक्टीरिया जो पेरिटोनियम लेयर है उसको भी अफेक्ट करेंगे। तो यहाँ पर इंटरनल ऑर्गन डैमेज होने के साथ साथ पेरिटोनियम कैविटी है, पेरिटोनियम कैविटी में जितने भी एब्डोमिनल ऑर्गन होते हैं उन सभी को अफेक्ट करने का काम करेगा। और इन्फेक्शन, यदि अपेंडिसाइटिस का इन्फेक्शन पूरे जो बैक्टीरिया है पूरे में फैलते हैं, तो क्या कॉज करेंगे, पेरिटोनाइटिस। नेक्स्ट वन इज आफ्टर रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट विच कैन्यूला इज यूज फॉर फ्लूड रिप्लेसमेंट इन कैजुअलिटी फॉर एन एडल्ट पेशेंट। यदि रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट का मरीज है, कौन सा कैन्यूला यूज करेंगे आप उसमें फ्लूड रिप्लेसमेंट के लिए, कैजुअलिटी है ऑरेंज, पर्पल, ग्रीन या फिर ग्रे। तो यहाँ पे जो कैन्यूला यूज किया जाएगा वो होगा ग्रीन कलर का कैन्यूला, कौन सा, ग्रीन कलर का कैन्यूला। ग्रीन कलर के कैन्यूला से सबसे ज़्यादा फ्लो होता है, जो कि 18 गॉस का होगा, इसमें सबसे ज़्यादा एट्रोमा सर्जरी ट्रांसफ्यूजन हो उस केस में इसको मेनली यूज़ किया जाता है। और येलो कलर का होगा, जो येलो कलर का जनरली 24 गॉस का होगा, तो ये पीडियाट्रिक्स में या फिर जो एल्डर एडल्ट होते हैं उनके लिए इसका यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट वन इज ब्रोंकियोलाइटिस इज मोर कॉमनली सीन विच एज ग्रुप। तो ब्रोंकियोलाइटिस किस एज ग्रुप के बच्चों में मेनली देखने को मिलेगी, 1 से 12 साल, 2 से 3 साल, लेस देन 2 ईयर है फिर ऑल द एज ग्रुप। तो यहाँ पर जो ब्रोंकियोलाइटिस, ब्रोंकियोलाइटिस में क्या होगा, जो आपकी ब्रोंकाई है वहाँ पे पूरा इन्फेक्शन होगा। तो अब वो इन्फेक्शन जनरली बच्चे जिनकी उम्र 2 साल से कम हो उसको देखने में आपको मिलेगा। तो यहाँ पर ब्रोंकियल रिएक्शन इन यंग चिल्ड्रन एंड इन्फेंट, तो ये क्या है, ब्रोंकियोलाइटिस है और जनरली वायरस के थ्रू होगा और मेनली बच्चों में होता है जिनकी उम्र 2 साल से कम हो उसमें। तो ब्रोंकियोल्स है, ब्रोंकाई तो ये हो गए जब ट्रैकिया 2 पार्ट में डिवाइड होती है, तो ये क्या हो गए, यहाँ पर ब्रोंकाई हो गए। अब इसका जो है पूरा 2 पार्ट डिवाइड हुए, तो इसके इन्फेक्शन को हम ब्रोंकाइटिस कहेंगे, लेकिन ब्रोंकियोलाइटिस जो ब्रोंकियोल्स है लंग्स के अंदर है इसमें इन्फेक्शन होता है वो कहलाएगा ब्रोंकियोलाइटिस।
इन ब्रोंक्योलाइटिस में ब्रोंक्योल्स जिसको हम कहते हैं, आइटिस जोड़ दिया तो इन्फेक्शन हो गया, तो ये क्या कहलाए ब्रोंक्योलाइटिस। और इसका जो इन्फेक्शन है जनरली उन बच्चों को होगा जिनकी एज 2 साल से भी कम हो। नेक्स्ट वन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इम्यूनाइजेशन शुड बी गिवन टू अ चाइल्ड हु इज HIV पॉजिटिव एंड इम्यून कम्प्रोमाइज्ड। कौन सी वैक्सीन आप देंगे जिस बच्चे को HIV हो, HIV पॉजिटिव और इम्यून सिस्टम कम्प्रोमाइज्ड हो मतलब वीक हो। MMR देंगे, OPV देंगे, IPV देंगे कि रोटा वायरस देंगे। जिस बच्चे का इम्यूनाइजेशन सिस्टम बहुत ही ज़्यादा वीक हो, इम्यूनिटी क्या हो कंप्रेस्ड हो, तो यहाँ पे आप जो वैक्सीन देंगे वो होगी IPV वैक्सीन। कौन सी वैक्सीन? IPV वैक्सीन, क्योंकि वेरिसेला एंड दूसरा वैक्सीन है। जिस पर्सन की इम्यूनिटी कम्प्रोमाइज मतलब बहुत ज़्यादा वीक हो उसमें हम नहीं दे सकते। यहाँ पर इम्यूनो कम्प्रोमाइज पर्सन के लिए हम वेरिसेला और जूस्टर वैक्सीन नहीं देंगे, लेकिन यहाँ पर जो वैक्सीन दे सकते हैं वो होगी IPV वैक्सीन। कौन सी? IPV वैक्सीन। कॉमनली यूज्ड नेम फॉर द डिसीज 100 डे कफ, 100 दिन की खांसी के लिए कौन सा टर्म यूज किया गया है? कोलेरा, TB, पर्टिसिस या फिर ऑल ऑफ द अबव। कोलेरा के लिए तो राइस वाटर स्टूल के नाम से जो इसका क्लासिकल साइन है आपका, टीबी के लिए ट्यूबरक्लोसिस ही आप कहेंगे, पर्ट्यूसिस जिसको 100 दिन की खांसी या फिर वूफिंग कफ। क्या है यहाँ पर? 100 दिन की खांसी है जिसमें वार्किंग कफ देखने को मिलेगी। वार्किंग मतलब जैसा कुत्ता भौंकता है उस तरीके की खांसी चलेगी, तो कि 100 दिन तक चल सकती है, तो क्या है पर्ट्यूसिस। बॉर्डरटेला पर्ट्यूसिस नाम के बैक्टीरिया से डिसीज हो गई, इसमें 100 दिन की खांसी कहा जाएगा। इसमें नाक बहेगी, फीवर होगा, माइल्ड कफ होगा और ये कुछ ही दिनों में, कुछ ही वीक में सिम्टम अपने आप सबसाइड हो जाएंगे। नेक्स्ट वन इज हाउ मच अमाउंट ऑफ फीटल ब्लड फ्लो पर मिनट थ्रू द प्लेसेंटा, कितना ब्लड फ्लो होगा प्लेसेंटा में, प्लेसेंटा के थ्रू फीटल में? 2000, 1500 या फिर 400। जो ब्लड फ्लो होगा फीटल से प्लेसेंटा से फीटल में वो होगा 500 ml, कितना? 500 ml। नेक्स्ट वन इज मोस्ट कॉमन साइकेट्रिक डिसऑर्डर, इस दिन में सबसे कॉमन क्या देखने को मिलेगा? डिमेंशिया, सिजोफ्रेनिया, डिप्रेशन या फिर पैरोनिया। सबसे कॉमन साइकेट्रिक डिसऑर्डर बताइए, सबसे कॉमन दिमाग की प्रॉब्लम है यहाँ पे कौन सी है, साइकेट्रिक समस्या क्या है वो कहलाएगी यहाँ पर क्या? डिप्रेशन। डिप्रेशन आप आजकल आए दिन हर एक पर्सन में देख सकते हैं, आजकल आप डिप्रेशन हर एक पर्सन में देख सकते हैं। कोई ना कोई किसी ना किसी चीज़ को लेके डिप्रेस्ड होता है, मतलब मूड चेंज रहेगा, लेकिन ज़रूरी नहीं उसको सीधा जो मेडिकेशन एंटी डिप्रेजेंट देने की ज़रूरत है, लेकिन जो साइकेट्रिक प्रॉब्लम है कॉमनली एज कम्पेयर टू आर डिमेंशिया, सिजोफेनिया, पैरोनिया से कंपेयर करते हैं डिप्रेशन कॉमनली देखने को मिलती। साइकेट्रिक डिसऑर्डर क्या हो गया यहाँ पे आपका? डिप्रेशन। नेक्स्ट वन है यहाँ पर आपका क्वेश्चन, ड्रग दैट इज मोस्ट यूजफुल इन द ट्रीटमेंट ऑफ OCD। OCD वाला क्वेश्चन हमने कल की क्लास में पढ़ा था कि OCD होगा कैसे और है क्या चीज़। वो अब वो यहाँ पर ड्रग ऑफ चॉइस पूछिए कि OCD को आप कौन सी ड्रग से ट्रीट करेंगे? ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर को अमोक्सापाइन से, डॉक्सेपिन से, फ्लॉक्सिटिन से कि डोथीपेन से? कौन सी मेडिसिन एज अ ड्रग ऑफ चॉइस के तौर पे यूज़ की जाएगी OCD को ट्रीट करने के लिए? OCD ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर को ट्रीट करने के लिए फ्लॉक्सिटिन नाम की मेडिसिन यूज़ की जाएगी। क्या है? फ्लॉक्सिटिन, जो कि एक एंटी डिप्रेजेंट है, SSRS कैटेगरी की ड्रग है, सिलेक्टिव सेरोटोनिन रिएप्टेक इनहिबिटर कैटेगरी की ड्रग है, और इसका यूज़ है जो OCD हो गया, बुलमिया नर्वोसा हो गया, पैनिक डिसऑर्डर हो गए या फिर प्री मेंस्ट्रुअल डिसमॉर्फिक डिसऑर्डर हो गया, तो उसको ट्रीट करने के लिए फ्लॉक्सिटिन को यूज़ किया जाता है। और ये बिना प्रिस्क्राइब के नहीं मिलती है, जितनी भी एंटीसाइकेट्रिक ड्रग होती हैं वो बिना प्रिस्क्रिप्शन के आपको अवेलेबल नहीं होंगी। यहाँ पर जो फ्लॉक्सिटिन है इसका ब्रांड नेम प्रोजेक और सेराफेम नाम से आपको मार्केट में अवेलेबल हो सकती है, बट ये विदाउट प्रिस्क्रिप्शन मार्केट में नहीं मिलेंगी। और ड्रग ऑफ चॉइस किसके लिए? OCD के लिए, जो कि SSRS कैटेगरी की ड्रग है। नेक्स्ट वन इज
अगोराफोबिया इज अ फियर ऑफ। तो अगोराफोबिया में किससे डर लगेगा आपको? स्ट्रेंजर से, क्लोज्ड प्लेस से, अगर से कि ओपन स्पेस से। एगोराफोबिया में जो फियर लगता है वो होता है ओपन स्पेस से। ऐसा डर लगना कि आप बहुत ज़्यादा भीड़भाड़ वाली जगह पर खुले में खड़े हुए हैं और आपको डर लगने लगे तो वो क्या कहलाएगा? अगोराफोबिया। इमेज से आप इजीली समझ सकते हैं इस तरीके से यहाँ पे होली मनाई जा रही है। इसी यदि इसी होली की भीड़ में आप फंस जाए आपको जो फियर होगा जो पहने का लगेगा वो किस क्या कहलाएगा? अगोराफोबिया। नेक्स्ट इज द ड्रग एडमिनिस्टर्ड टू रिड्यूस द वर्टिकल ट्रांसमिशन ऑफ एचआईवी फ्रॉम मदर टू फीटसेस। कौन सी मेडिसिन एडमिनिस्टर की जाएगी माँ से बच्चे को वर्टिकल ट्रांसमिशन जो कहलाएगा माँ से बच्चे में एचआईवी को रोकने के लिए? इंडिनावेर, लेम्यूबिडिन, निविरापाइन या फिर जिडियोबिडिन। तो एआरटी जो ड्रग यूज़ की जाएगी, एंट्री रेट्रोवायरल थेरेपी ड्रग रहेगी, जो जिडियोबिडिन भी यूज़ होती है और निविरापाइन भी होती है। लेकिन यहाँ पर कहा गया है कि वर्टिकल ट्रांसमिशन को प्रिवेंट करना है कि माँ से बच्चे में ना जाए, तो आप कौन सी ड्रग अपनाएंगे? जिडियोबिडिन की निविरापाइन। ऐसे केस में आपका ड्रग ऑफ चॉइस होगा क्या? निविरापाइन। क्या होगा? निविरापाइन। निविरापाइन दी जाएगी कब? बच्चे को दी जाएगी ताकि माँ से बच्चे में जो इन्फेक्शन है वो ट्रांसमिट ना हो पाए। इसी ट्रांसमिशन को रोकने के लिए, वर्टिकल ट्रांसमिशन को रोकने के लिए निविरापाइन जो एडमिनिस्टर की जाएगी। क्लियर? नेक्स्ट इज एक्सपल्सन ऑफ सर्वाइकल म्यूकस प्लग मिक्सड विथ ब्लड इज कॉल्ड। तो सर्वाइकल म्यूकस प्लग जिसके कारण ब्लड भी आ रहा है साथ में, तो वो क्या है? बैग ऑफ वाटर है, सर्वाइकल सीक्रेशन है, ब्लडी सो है या फिर ब्लीडिंग पर वजाइना है। तो सर्वाइकल म्यूकस का बाहर आना एक प्लग के फॉर्म में, वो क्या कहलाएगा? वो कहलाएगा ब्लड सो। क्या होगा? सो। नेक्स्ट इज पेनलेस यूटराइन कॉन्ट्रैक्शन फेल्ट ऑन एब्डोमिनल पाल्पेशन अकरिंग एवरी 15 मिनट्स रेफरेंस। तो पेनलेस एंड यूटराइन कॉन्ट्रैक्शन आ रहे हैं एब्डोमिनल पाल्पेशन के टाइम पर 15 मिनट में फिर आते हैं, तो ये क्या कहलाएंगे? क्विकनिंग, ऑसिएंडर साइन, ब्रैक्सन एक्स कॉन्ट्रैक्शन की नन ऑफ द अबव। यदि हर 15 मिनट में पेनलेस यूटराइन एब्डोमिनल पाल्पेशन के कारण एब्डोमिन के यहाँ पे आपको फील हो रहा है तो ये क्या कहलाएंगे? कहलाएंगे ब्रैक्सटन एक्स कॉन्ट्रैक्शन, जिसको फॉल्स लेबर पेन के नाम से भी जाना जाता है। जो ओरिजिनल कॉन्ट्रैक्शन आते हैं वो कंटिन्यूसली आते जाते, 15-15 मिनट का भी स्टार्ट शुरू में गैप रहेगा लेकिन आगे जाके 15 मिनट का गैप भी नहीं रहेगा, धीरे धीरे स्ट्रॉन्ग होते जाएंगे, फास्ट फास्ट आएंगे। तो यहाँ पर पेनलेस यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन की बात की जा रही है, ये कहलाएगा ब्रैक्सटन एक्स कॉन्ट्रैक्शन। Which kind of questionnaire method is used? तो यदि कोई अल्कोहलिज्म वाला पर्सन है, ड्रिंक एंड ड्राइव कर रहा है या फिर शराब पिए है, कौन सा क्वेश्चनर यहाँ पे अपनाया जाएगा? गेज, पेट, MMSE या फिर ऑल। कौन सा क्वेश्चनर यहाँ पे अपनाया जाएगा यदि पर्सन ने शराब पी रखी है? उसके लिए केज क्वेश्चनर क्या है? अल्कोहलिज्म वाले मरीज को यदि क्वेश्चनर पूछे तो केज क्वेश्चनर कॉमनली यूज किया जाता है। अकॉर्डिंग टू केज क्वेश्चनर के, हैव यू एवर फेल्ट यू शुड कट डाउन ऑन योर ड्रिंकिंग? आपको कभी लगा है कि आप शराब छोड़ दें? हैव पीपल अलाउड यू बाई क्रिटिसाइजिंग योर ड्रिंकिंग? आपको कोई परेशान करता है जब आप शराब नहीं पीते हैं, क्रिटिसाइज करता है? आपने कभी गिल्टी फील की है? और यहाँ पर एवर हैड एन आई ओपनर टू स्टडी नर्व्स इन द मॉर्निंग? यदि यस टू मोर देन टू इज क्वाइट गुड एंड डिटेक्टिंग एल्कोहल एब्यूज एंड डिपेंडेंसी। यदि दो से ज़्यादा होता है मतलब पर्सन एल्कोहल एब्यूज और एल्कोहल पर डिपेंडेंस है, केज क्वेश्चनर में। नेक्स्ट वन इज क्रेमर्स रूल इज यूज फॉर। तो क्रेमर्स रूल किसके लिए यूज किया जाता है? एस्फेक्सिया के लिए, बर्न में, एंटेरोकोलाइटिस या फिर जॉइंटिस में? तो जो क्रेमर्स रूल यूज़ किया जाता है जॉइंटिस में, जब ब्लूरोबिन का लेवल ज़्यादा हो जाए तब क्रेमर्स रूल है जो यूज़ किया जाएगा। क्रेमर्स रूल सीरम ब्लूरोबिन लेवल और कितनी प्रोग्रेशन हो रही है स्किन के कलर की, उसके बीच में दोनों चीज़ें बताएगा, तो क्या क्रेमर्स रूल। यहाँ पर लेवल भी है, 5th तक लेवल दिए जाते हैं, कितना जो सीरम ब्लूरोबिन लेवल बढ़ रहा है वो चेक किया जाता है। यदि हेड एंड नेक पर है तो 1, बट ट्रंक भी येलो हो रही है तो 2, लोअर ट्रैक और थाई हो रही है तो 3,
आर्म्स एंड लोअर लेग्स में भी आ रहा है, तो चार पाम्स एंड सोल्स में भी यदि पीलापन दिख रहा है, दैट मीन्स पर्सन को, जो बच्चा है उसमें क्या है, पूरा फुली जो ब्लूरूबिन लेवल है बहुत ज़्यादा हाई बढ़ा हुआ है, और क्रेमर स्टूल है जो ब्लूरूबिन लेवल और कितनी प्रोग्रेस होती है स्किन के कलर में उसके बीच के तालमेल को बताएगा। क्लियर? नेक्स्ट, विच काइंड ऑफ इमेज इज सीन इन ऑर्सेट का सबसे लोकप्रिय क्वेश्चन है कि कौन सी इमेज है, डीवीटी पंप है, कार्डियक मॉनिटर, सीपैप मास्क है, कि नन ऑफ द अबव। तो यहाँ पर जो इमेज में दिख रहा है क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा डीवीटी पंप। ये क्या है? डीवीटी पंप, जो न्यूमेटिक कंप्रेशन के लिए डिजाइन किया जाएगा, जो डीवीटी वाले पर्सन होते हैं उनको लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन से बचाने के लिए, प्रिवेंट करने के लिए इस पंप का यूज किया जाएगा। नेक्स्ट वन है यहाँ पर क्वेश्चन आपका, बटरफ्लाई रेसेस इज सीन इन, तो बटरफ्लाई रेसेस किस में देखने को मिलेंगे, सिफिलिस में, एसएलई में, टीबी में, कि मीजल्स में। तो बटरफ्लाई रेसेस देखने को मिलेंगे किस में, सिस्टमेटिक लूपस एरिथ्रोमेटस में। इस तरीके से दोनों अंडर आईज और नोज के यहाँ पे, जो नोज ब्रिज है यहाँ पे, तो इन्फ्लामेटरी डिसीज, इसमें इम्यून सिस्टम आपका अपना इम्यून सिस्टम खुद की सेल्स पर अटैक करता है, जिसको हम ऑटो इम्यून डिसीज कहेंगे, जिसमें कनेक्टिव टिश्यू क्या है, मेनली कनेक्टिव टिश्यू अफेक्ट होते हैं एस एल ई में। तो यहाँ पर एस एल ई का जो साइन है यहाँ पर वो क्या है, बटरफ्लाई, क्या है, बटरफ्लाई।